हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अगर आप निहारी की रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो मेरे इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करें। आई एम श्योर इसे ट्राई करने के बाद आप सिर्फ इस रेसिपी को ही फॉलो करेंगे। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में मटन, लहसुन, अदरक, साबुत गरम मसाला, नमक और पानी डालकर 20 मिनट के लिए स्टीम कर लें। एक पैन में ऑयल डालकर गरम कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज और इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे स्टीम मटन को और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला इन सब चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें यखनी के दो प्याले ऐड करेंगे और 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। मैदा को यखनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को ग्रेवी में शामिल कर लेंगे। पाँच से दस मिनट के लिए इसे मज़ीद पका लेंगे। मज़ेदार निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। नींबू, अदरक और हरी मिर्च के साथ इसे गार्निश कर लेंगे। आप इसे नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। बाय।